स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? वेलकम टू ग्रेड थर्ड हिंदी। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मात्राएं, शब्द तथा वाक्य। मात्राएं और व्यंजन मिलकर शब्द बनाते हैं और शब्दों का समूह बनता है वाक्य। तो आज हम सबसे पहले मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे कि मात्राएं क्या होती हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम मात्राओं के बारे में। मात्राएं क्या होती हैं आज मैं बताऊंगी आपको। मात्राएं एक तरह का चिन्ह होती हैं। जिससे नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं। ये जो मात्राएं होती हैं, ये स्वरों के चिन्ह होती हैं। स्वरों के चिन्ह मिलकर ही, जब व्यंजन और स्वरों के चिन्ह मिलते हैं तो ये मात्राएं बन जाती हैं। क्या होती है ये मात्राएं? चिन्ह। इससे बनते हैं शब्द। तो चलिए अब इससे शब्द बनाकर देखते हैं कौन कौन से शब्द बनते हैं। मात्राएं एक तरह का चिन्ह होती हैं। क्या होती है मात्राएं? मात्राएं एक तरह का चिन्ह होती हैं। ये जो चिन्ह है, ये स्वरों के होते हैं। ये चिन्ह स्वरों से बने होते हैं। ये व्यंजनों के साथ मिलकर नए नए शब्द बनाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आ, ये क्या है? यह एक स्वर है। इसका चिन्ह क्या है? आ। ये है स्वर, ये है इसका चिन्ह। स्वरों से क्या बने? स्वरों से चिन्ह लिया, ये बन गई मात्रा। तो ये है आ की मात्रा और ये है स्वर। इस तरह स्वरों से बनते हैं चिन्ह। ये व्यंजनों के साथ मिलकर नए शब्द बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये शब्द? जैसे क, ये है व्यंजन। इसमें अगर हम आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? का। क प्लस आ का। तो इससे क्या बनते हैं? नए नए शब्द। अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मात्राएं क्या होती हैं। चलिए तो बच्चे देखिए, हम थोड़ी कुछ और उदाहरणें लेते हैं और समझते हैं कि मात्राएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे अ। अ की मात्रा कौन सी होती है? अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो यहाँ पर मात्रा कोई नहीं होती, पर क्या बन गया ये? अब हम व्यंजन लेंगे क, तो मात्रा इसकी कोई नहीं है। तो इससे हम शब्द बनाएंगे बिना मात्रा का, क म ल, कमल। ये बनेगा शब्द। अब आ की मात्रा देखेंगे। आ की मात्रा कौन सी होती है? मात्रा कौन सी है इसकी? आ की, जो कि व्यंजन से आगे लगती है। तो इसका क, क को आ की मात्रा लगाएंगे, क्या बन गया? का। ये हमेशा व्यंजन के आगे लगती है। तो इससे शब्द क्या बनेगा? का ग ज, कागज। अब हम ई की मात्रा लेंगे, छोटी ई की मात्रा। ई, छोटी ई की मात्रा देखिए कैसे होती है। ये चिन्ह होता है, स्वर है ई और इसका चिन्ह है ये। तो इससे क्या बनेगा? की, की। देखिए की बन गया। इससे शब्द क्या बनेगा? ये हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो छोटी ई की मात्रा है वो व्यंजन से हमेशा पहले लगती है। इससे शब्द क्या बना? की ला, किला। अभी देखिए बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा का चिन्ह देखिए इस तरह है। बड़ी ई की मात्रा का चिन्ह ये है। ये हमेशा व्यंजन के बाद लगता है। व्यंजन है क और इधर देखिए इसका साइन इधर लगेगा, हमेशा व्यंजन के बाद। अभी इससे क्या बनेगा? शब्द क्या बनेगा? कीमत। कुछ भी शब्द बना सकते हैं हम।
कीमत। अभी हम उ देखें कि उ उ का कौन सा साइन होता है, कौन सी चिन्ह होता है, ये होता है उ का चिन्ह। तो इस क्या बन गया, व्यंजन के साथ जोड़कर क्या बन गया, कु। तो शब्द क्या बनाएंगे, इससे शब्द बनाएंगे कुली, शब्द बन गया कुली। ऊ देखिए इसका इसका चिन्ह ये है, व्यंजन के साथ मिलकर कु, इससे शब्द बनेगा कूड़ा, को बड़ा ओ कूड़ा, ये बन गया शब्द कूड़ा। अभी देखते हैं ये है री, री री का चिन्ह होता है ये, जो कि व्यंजन के नीचे लगता है, व्यंजन के पैरों में लगता है। तो व्यंजन क्या है, क, क के पैर में री, क्या बन गया कृषक, शब्द क्या बनेगा कृषक, कृषक मतलब होता है जो कृषि करता है, किसान कृषक। ए, ए से ए का साइन, इसका क्या होता है चिन्ह, ये व्यंजन के ऊपर लगता है, व्यंजन क्या है क, क के ऊपर ए, के, क्या बन गया ये के, इससे शब्द बनेगा केला, चिन्ह है ये भी व्यंजन के ऊपर लगेगा कै, इसे शब्द बनेगा कैमरा, कैमरा। ये स्वरों के चिन्ह है और ये व्यंजनों के साथ मिलकर शब्द बना रहे हैं नए नए। अभी ओ, ओ का चिन्ह है ये, ओ का चिन्ह है, इससे व्यंजन के साथ मिलाएंगे क्या बन गया को, और शब्द बनेगा को या ल, कोयल। नेक्स्ट है ओ, इसका चिन्ह देखेंगे, ये इसका चिन्ह है, जब व्यंजन के साथ लगेगा क्या बनेंगे कौ, कौ, और इससे शब्द क्या बनेगा कौवा, कौवा। इस प्रकार स्वर हैं, स्वरों के चिन्ह हैं, वो व्यंजनों के साथ मिलकर नए नए शब्द बनाते हैं। ये होती है हमारी मात्राएं। तो आपको अच्छे से मात्राएं समझ में आ गई होंगी कि मात्राएं क्या चीज होती है। चलो आगे हम पढ़ते हैं शब्द। अब हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द क्या होता है। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। आपको याद है कि वर्ण क्या थे, वर्ण भाषा की छोटी इकाई थे, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वर्ण सबसे छोटी इकाई थे। जब वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनते हैं, पर इनका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलना जरूरी होता है। देखिए इधर, जैसे क ल, कल, इसका ये है शब्द, इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। ये कितने वर्णों से बना है याद है आपको, हमने लास्ट चैप्टर में करा था, क, क प्लस अ, ल प्लस अ, क्या बन गया कल, क इसके नीचे हलंत लगा है, प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ, ये बन गया कल। ये कितने वर्णों से बना है, एक दो
तीन चार, ये बना है चार वर्णों से। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे गिलास। ये कैसे बनेगा गिलास? ग अलग प्लस ई प्लस ल प्लस जहलन आ प्लस स हलन प्लस अ। ये कितने वर्णों से बना है गिलास? ग ई ल आ स अ। एक दो तीन चार पांच छ, छह वर्णों से बना है गिलास। तो ये छह वर्णों से क्या बन गया? एक शब्द गिलास। बच्चे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि शब्द क्या होते हैं। शब्द वर्णों का वह मेल है जो जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो अब हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। वाक्य वाक्य जिस प्रकार शब्द वर्णों के मेल को कहते हैं, उसी प्रकार शब्दों के मेल को वाक्य कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक शब्द आते हैं या जुड़ते हैं तो वह एक वाक्य बन जाता है, पर इसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलना जरूरी है। अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो वह निरर्थक वाक्य बन जाते हैं। तो बच्चे अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ। पर मैंने लिखा है स्कूल मैं हूं जाती। इसको क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है? स्कूल मैं हूं जाती, इसका कोई अर्थ तो निकल नहीं रहा। जब हम इसको सही ढंग से लिखेंगे, मैं स्कूल जाती हूं, इसको हमने सार्थक ढंग से लिखा है, इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, यह है हमारा वाक्य। अभी देखिए, गरिमा पढ़ती किताब। गरिमा पढ़ती किताब, क्या ये वाक्य है? नहीं, ये सही वाक्य नहीं है। इसको हम कैसे लिखेंगे? गरिमा किताब पढ़ती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वाक्य क्या, वाक्य क्या होता है कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, वो होते हैं वाक्य। तो बच्चों आपको वाक्य के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा कि वाक्य क्या है और शब्द क्या है उसके बारे में भी पता लग गया, और मात्राओं के बारे में भी आपको अच्छे से पता लग गया होगा।